और ये है भगवान शिव जी का सबसे महत्वपूर्ण माना जाने वाला वाद्य यंत्र, जो कि उनका उनके स्वरूप का सबसे खास चीज़ है कह सकते हैं, त्रिशूल। और ये जो कि डमरू कहते हैं इसे, ये बहुत ही महत्वपूर्ण वाद्य यंत्र है और इसे महत्वपूर्ण माना जाता है। आजकल के भजन में शिव चर्चा हुआ या कोई भी ऐसा महत्वपूर्ण कार्य, उसमें इन जितने भी यहाँ चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं, जैसे कि जितने भी वाद्य यंत्र हैं, ये सभी महत्वपूर्ण होते हैं। आजकल के शिव चर्चा हो गए या पूजा पाठ हो गए, उन सभी के लिए। तो यहाँ जो आप ढोलक देख सकते हैं और अन्य वाद्य यंत्र भी यहाँ पे रखे हुए हैं, जो कि देखने में बहुत ही बेहतरीन लग रहे हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं लोग खरीदारी भी कर रहे हैं इसकी। तो यहाँ जो उपस्थित है हमारे साथ दुकानदार, हम उनसे बात करेंगे। ये जो चीज़ें यहाँ बनाई है, आपने खुद से बनाई? नहीं मैम। तो आपने कहीं से मंगवाई हो? जी, कलकत्ता से। तो वहाँ पे मतलब जिस तरीके से आपने वहाँ से मंगवाया ये चीज़ें, तो यहाँ पे इसकी बिक्री को लेकर के क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके से हो रही है? बिक्री तो नहीं है, जैसा सोच के आए थे वैसा नहीं है। आप कहाँ से आए? हम रांची से हैं। आप रांची से ही हो, ठीक है। तो आप इसके बारे में कुछ विशेषता बताना चाहें? बस यही है, कीर्तन भजन का सामान है, सस्ता मिलता है मेला में, और क्या है। आप सस्ता कह रहे हैं? सर सब तरह का है, 500 वाला, 1000 वाला, 200 वाला। ट्रेन करेंगे दिखा करके हमारे दर्शकों को, ताकि उन्हें समझ में आए कि आप कितने में। पार्टी वगैरह में जो प्रोग्राम वगैरह करते हैं ना, उसमें ये नाल चलता है। इसका लगभग 2500-3000 के लगभग पड़ता है। और उसके अलावा कीर्तन लेडीज़ के लिए ये कीर्तन 1500 में लगभग आता है। और भी जो यहाँ पे वाद्य यंत्र हम चाहेंगे उसके बारे में भी आप बताएं। ये जो दो चीज़ें रखी हुई हैं, बच्चे लोग जो सीखते हैं, ट्रेनिंग करते हैं, उनके लिए है छोटे वाली। जैसे ये सब छोटा आइटम रखा है ना, ये सब बच्चों के लिए है, ये वाली। तो आपने ढोलक के बारे में बताया कि ये बड़ों के लिए है, महिलाओं के लिए है, ये बच्चों के लिए है, लेकिन उसके अलावा और भी जो डमरू, जैसे कि आपने हमने देखा ठीक है, प्रसाद के लिए चढ़ता शिव जी के चरणों में, उसके लिए रखते हैं, और क्या। और उसके अलावा ये जो यहाँ पे आपने टांग रखा है, झांझ वगैरह जो कीर्तन भजन में जो बजाती हैं लेडीज लोग, उन्हीं के लिए। तो देखा आपने, यहाँ जो भी चीज़ें टंगी हुई है और रखी हुई है, ये सभी वाद्य यंत्र के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, पूजा पाठ के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं ये वाद्य यंत्र। और बहुत ही इसके कह सकते हैं कि इससे संगीत मधुर हो जाता है और भी बेहतर हो जाता है।